चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्र में अब उज्जैन का जेके नर्सिंग होम महानगरों को टक्कर देने लगा है। जेके नर्सिंग होम में हाल ही में एक उपलब्धि हासिल कर अपनी यही श्रेष्ठता साबित की है। अपनी मासूम बच्ची को गोद में लेकर खुशी से फूली नहीं समा रही। यह है आगर के एक छोटे से गांव की रहने वाली 45 वर्षीय देवबाई। शादी के करीब 25 साल बाद भी जब देवबाई माँ नहीं बन सकी तो उन्होंने यह उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो भी कभी माँ बन पाएगी और अपनी कोख से बच्चे को जन्म दे पाएगी और उसके आंगन में भी किलकारियाँ गूंजेगी। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में उज्जैन के जेके नर्सिंग होम में काम करने वाले देवदूत बनकर आए। उन्होंने देवबाई और उनके परिवार को IVF तकनीक के बारे में जानकारी दी। इस पर देवबाई अपने पति के साथ उज्जैन जेके नर्सिंग होम पहुंची। जेके नर्सिंग होम की संचालिका और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जया मिश्रा के मुताबिक चूंकि देवबाई की उम्र 45 वर्ष हो चुकी थी इसलिए IVF तकनीक से गर्भधारण करवाना भी रिस्की था, पर फिर भी IVF तकनीक से देवबाई को गर्भ धारण करवाया गया। हालांकि 6 महीने में उनकी प्रीमैच्योर डिलीवरी करवाना पड़ी। जिस बच्ची को जन्म दिया गया उसका वजन मात्र 600 ग्राम ही था। ऐसे में माँ और बच्ची दोनों को अस्पताल में करीब 2 महीने तक भर्ती रखना पड़ा। डॉक्टर जया मिश्रा के मुताबिक देश का यह केस अपने आप में अलग था। इससे यह साबित हो गया है कि इंदौर एवं अन्य महानगरों की तरह अब उज्जैन में भी कम खर्च में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। VVS सेंगर, सिटी चैनल, उज्जैन। इससे जब प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और देवबाई के केस में इनकी उम्र भी 45 साल थी, IVF से कंसेप्शन था और बहुत ज़्यादा हाई रिस्क थी। काफ़ी हम लोगों के पास वो 1 महीने से भर्ती थी और रोकने के बावजूद ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ था। उसकी डिलीवरी हमको 6 महीने पर सिजेरियन से करना पड़ा। बच्चा बहुत प्रीमेच्योर था। कुछ दवाइयाँ, कुछ इंजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो हम पहले से अगर माँ को लगाते हैं तो बच्चों के फेफड़े की मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और ज़्यादा करके केसेस में क्या होता है, अगर पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं या कुछ होता है तो इंजेक्शन्स का जब असर नहीं आता है तो इन छोटे बच्चों के फेफड़े बहुत कमज़ोर होते हैं। देवबाई के केस में वो 1 महीने से हमारे पास भर्ती थी। हमने सारी पॉसिबल चीज़ें जो हम बच्चे को अच्छा करने के लिए दे सकते थे पूरा किया और उसके बाद वो फिर भी इतना प्रयास के बावजूद भी 6 महीने पर ही उसको PP बहुत बढ़ने के कारण कंट्रोल नहीं हो पाया, उसका सर्जरी करना पड़ा और 600 ग्राम की एक बहुत छोटी सी बच्ची उसको हुई। हमें लग रहा था शायद बहुत मुश्किल होगा उसको बचाना, पर ऐसा कि हम लोग कहते हैं लड़कियां थोड़ी स्ट्रांग होती हैं, भगवान की विशेष कृपा लड़कियों पर होती है। और डॉक्टर आशीष पाठक ने हमारे NICU के सारे स्टाफ के साथ मिलकर बहुत मेहनत की इस बच्ची को बचाने के लिए। करीब 1.25 महीने से बच्ची यहाँ भर्ती थी और अब बच्ची बहुत अच्छी होकर डिस्चार्ज हुई, इस बात की हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी है। उज्जैन में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे हमारा NICU पहले बहुत प्रीमेच्योर बच्चों को रखने में हम लोगों को बहुत डर लगता था, पर अब हम लोग बहुत ही 600 ग्राम का बच्चा बचना, वो भी 6 महीने का, हमारे भी यहाँ पर पहली बार हुआ है। इसके पहले हम 7 माह से जो बच्चे होते हैं 800 ग्राम 900 ग्राम इन बच्चों को हम बचा चुके थे, पर 600 ग्राम का बच्चा हमारे लिए भी पहली बार है। और बहुत मेहनत लगती है क्योंकि छोटे बच्चों को इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना और बच्चे की पूरी केयर करना। और सबसे अच्छी बात यह है कि यही बच्चा अगर इंदौर में होता तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उज्जैन में जैसे अपने NICU के चार्जेस कंपेरेटिवली इंदौर के बहुत कम पड़ते हैं, तो इन बच्चों को जब काफ़ी दिन तक रखना पड़ता है तो आर्थिक बोझा भी माँ बाप पर बहुत ज़्यादा होता है, जो कि उज्जैन में बहुत कम पैसे में बहुत अच्छे से अच्छी क्वालिटी की केयर हम लोग करते हैं।